आज आपने रामपुर का दौरा किया है, तो आपका क्या उद्देश्य है यहाँ दौरा करने का और आप कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, हम पिछले 5 जिलों से वेस्टर्न यूपी के 10 जिलों के दौरे पर हैं और अभी रामपुर की मीटिंग के बाद हमारी बरेली मीटिंग है 3 बजे। और ये जो दौरा है वो हमारे यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके इंचार्ज हैं राष्ट्रीय, क्योंकि मेरे को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यूथ कांग्रेस, NSUI, डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट और प्रोफेशनल कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली है। तो पहले हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी जिलों में दौरा करके जो यहाँ की स्थानीय टीम है उनसे एक संवाद स्थापित कर सकें और उनके माध्यम से आगे उस संगठन को गतिशीलता प्रदान कर सकें और नए लोगों को उन संगठनों में जुड़ने का काम करें, जो अगले 20 दिन में हम पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में करने वाले हैं। उसी के तहत आज हम लोग रामपुर आए थे और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि अगले 20 दिन में ये सारे चारों जो हमारे संगठन हैं वो मजबूती के साथ उसमें नए लोग जुड़े भी और जिम्मेदारी लेके आगे का काम करने का प्रयास करें। सर, यूपी में जो पुलिस ने हिंसा की है उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, हिंसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पुलिस ने लगभग पूरे देश भर में की है और ये जो लड़ाई जो निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में प्रशासन वर्सेस जो आम लोग हैं उनके बीच हो गई है। और हमें लगता है कि जो सरकार की संवेदनहीनता है और जो उनका जो एक फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये उसका नतीजा है कि जिसकी वजह से पुलिस को उनके दबाव में आकर जनता के प्रति इस तरीके के कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं। सर, अभी कांग्रेस यूपी में कांग्रेस के क्या हाल हैं अभी, क्योंकि 2022 में इलेक्शन होने वाला है, तो उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, पिछले 2-3 महीने में अगर चाहे मीडिया के माध्यम से या जमीनी स्तर पर आप लोग भी, क्योंकि सभी के बीच उपस्थित रहते हैं, जो जिस तरीके से प्रियंका जी, आदरणीय प्रियंका जी नेतृत्व कर रही हैं एज इंचार्ज उत्तर प्रदेश का, और आदरणीय हमारे जो नए अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू जी, तो उनके संरक्षण में जो अगर पिछले 3-4 महीने की आप एक्टिविटी देखें तो कोई भी मुद्दा अगर उत्तर प्रदेश का है तो उसको कांग्रेस लीड कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी लोग मिलकर प्रयास कर जनता की उम्मीदों पर खरा उतर कर 2022 में यहाँ पर सरकार बनाने का काम करेंगे।